नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। और इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर राजस्थान से आई है, जहां राजस्थान में गहलोत गुट के विधायक अब खुलकर आला कमान को ब्लैकमेल करने पर उतर गए। गहलोत गुट ने खुलेआम ये शर्तें रख दी हैं और कहा कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी जाती है तो फिर इसका भुगतान करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकमान हमारी शर्तों के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता है। आला कमान की तरफ से भेजे गए ऑब्जर्वर अजय माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूरे गेम प्लान का पर्दाफाश कर दिया। माकन ने कहा कि गहलोत गुट ये चाहता है कि नए सीएम का फैसला 19 अक्टूबर के बाद तब हो, जब गहलोत अध्यक्ष बन जाएं, और ये प्रस्ताव पारित किया जाए कि नया अध्यक्ष ही नया सीएम तय करेगा। अजय माकन ने अब से थोड़ी देर पहले ये मान लिया है कि अनुशासनहीनता राजस्थान में हुई है, तो यहां पर मुसीबत इस वक्त सबसे ज्यादा कांग्रेस आला कमान के सामने है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से पूछ करके उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1-to-1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खरगे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1-to-1 सबकी बात सुनेंगे, और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जा करके बताएंगे, और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1-to-1 हरेक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए, और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं, और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं, ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो 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 व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे, और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगे। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है, और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको, खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद में हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए, और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट
हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। देखिए अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। अजय माकन जी, एक छोटा सा सवाल, इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। अजय माकन जी, तो अजय माकन को भी आप सुन रहे थे। अजय माकन मल्लिकार्जुन खड़गे ऑब्जर्वर के तौर पर भेजे गए थे लेकिन अब खाली हाथ वापस आ रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जान लीजिए, गहलोत कैंप की मीटिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया टीवी को मिला है और इस वीडियो में गहलोत कैंप के विधायक अमीन खान ये खुलेआम कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर गद्दार का नेतृत्व तो मंजूर नहीं है। इशारा साफ साफ सचिन पायलट की ओर है। अमीन खान शिव से विधायक हैं। जिस वक्त अमीन खान पायलट के बारे में ये बातें कह रहे थे, सामने बैठे विधायक तालियां बजा रहे थे। तो दो धड़े में इस वक्त कांग्रेस राजस्थान में बटी हुई है और ये कोई नई बात नहीं है। दो साल पहले से इस बात की सुगबुगाहट उठने लगी थी कि पायलट एक खेमा पायलट के तौर पर तैयार हुआ है तो दूसरा जो खेमा है वो अशोक गहलोत के तौर पर तैयार हुआ है। तो दो खेमे में इस वक्त राजस्थान की सियासत बट गई आप कह सकते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आला कमान के सामने, एक तरफ सचिन पायलट को मनाना है तो दूसरी तरफ जो 93 विधायक अड़े हुए हैं गहलोत को लेकर फैसले पर, तो अब ये चुनौती से कैसे निपटेगा आला कमान ये देखना अहम हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।